जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है हमारा सुपर एलिवेशन एंड कांट डेफिशिएंसी कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और हम इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं हमारे रेलवे ट्रैक पे एज वेल एज़ आप पढ़ेंगे कि कांट डेफिशिएंसी क्या होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सुपर एलिवेशन हम किसे कहते हैं सुपर एलिवेशन को ही आप क्या कहोगे कांट कहोगे तो इसमें बोलता है वेन ट्रेन मूव्स Round a curve, it is subjected to a centrifugal force acting horizontally at the center of gravity of each vehicle radially away from the center of the curve. This increases the weight on the outer rails. To counteract the effect of centrifugal forces, the level of the outer rail is raised above the inner. रेल बाई अ सर्टन अमाउंट टू रिड्यूस देंट्रिफ्यूगल फोर्सेज दिस रेज एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबव द इनर रेल एट अ हॉरिजोंटल कर्व इज कॉल्ड कैंट ये बोलता है कि जब हमारा जो ट्रेन है ये स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है फिर देन आपका क्या आया यहाँ पर कर्व आया तो कर्व पर आपका जो ट्रैक है वो ऐसा कुछ एंगल से सर्कुलेट हो जाएगा तो ये बोलता है कि जब हमारा ट्रेन जो है वो इस कर्व पे पहुंचता है तो इस कर्व पे क्या लगता है हमारे ट्रेन पे? जो ईच व्हील्स है एक जो आपका जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनके बीच में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अवे फ्राम देंटर सेंटर पर ना लग के आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपका वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जनरेट होता है कर्व पे जिसके कारण इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है जो वेट है वो बढ़ जाता है आपका आउटर रेल पर मतलब ये जो पार्ट है इसको आप क्या कहोगे इनर रेल और ये जो पार्ट है उसको आप क्या कहोगे आउटर रेल तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो आउटर रेल है उसमें क्या है वेट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो ये जो वेट का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है आपका ज़्यादा है तो ये जो इफ़ेक्ट है मतलब एक तरफ आपका वेट का वैल्यू ज़्यादा लग रहा है एक तरफ आपका वेट का वैल्यू कम लग रहा है तो इस इफ़ेक्ट को बैलेंस करने के लिए या काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं ये जो आउटर रेल है इसको क्या करते हैं थोड़े एलिवेशन पर बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके इनर रेल के तो ये जब आप एलिवेशन पे बनाते हो तो ये क्या करता है ये जो वेट अन वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इनर एंड आउटर रेल में उसको ये क्या कर देता है नेग्लेक्ट कर देता है और ये जो आप सुपर एलिवेशन यहाँ पे या बोल सकते हो यहाँ पे जो आपने ट्रैक को उठा दिया है आउटर रेल पे उसी को हम क्या कहते हैं सुपर एलिवेशन कहते हैं या उसी को आप क्या कहते हो कैंट कहते हो तो ये होता है आपका क्या सुपर एलिवेशन आपका जो सुपर एलिवेशन होता है ये ओरिजिनल इमेज मैंने यूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो कर्व है इस कर्व पे आपका क्या कर रहा है ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है तो आप देखना है यहाँ पर ये आपको स्लोप दिख रहा होगा ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आउटर रेल है और ये जो इनर रेल है दोनों का जो एलिवेशन है उसमें डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो आउटर रेल पर वेट बढ़ गया है उसको हम कर सके बैलेंस कर सके बिटवीन इनर एंड आउटर रेल आप बोल सकते हो एक और डेफिनेशन पे लिखा है कि इट इज द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द आउटर एंड इनर रेल एट अ कर्व कॉल्ड कैंट यह भी बोल सकते हो कि जो एलिवेशन में डिफरेंस आ रहा है यह आपके ट्रैक के एलिवेशन में डिफरेंस है कुछ एंगल पे है ये तो ये आपका इनर पोर्शन है ये आपका आउटर पोर्शन है तो ये बोलता है कि दोनों के एलिवेशन में जो डिफरेंस आता है उसी को आप क्या कहते हो कैंट कहते हो आगे बोलता है कि इनर रेल इज़ टेकन एज अ रेफरेंस रेल एंड मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल लेवल अब ये बोलता है कि जब भी भी आप ये आपका ट्रैक है तो ये एक फ्लैट सरफेस पे है क्योंकि आपका कहीं पे भी कर्व नहीं आया आगे चल के इस जो ट्रैक है इसमें कहीं पे आपका कर्व आ रहा है तो ये बोलता है कि आप तो आउटर रेल को क्या करोगे थोड़ा सा एलिवेट करोगे तो इसको जो हम एलिवेट कर रहे हैं वो जो रेफरेंस हम लेते हैं वो हम किस लेते लेते इनर रेल को लेते हैं इसके रेफरेंस में आप इस आउटर रेल को क्या कर रहे हो रेस कर रहे हो आगे बोलता है इनर रेल इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट रेल इनर रेल को ही हम क्या कहते हैं ग्रेडियंट रेल कहते हैं और सुपर एलिवेशन या फिर कैंट को हम डिनोट करते हैं किससे आपके स्मॉल ई e से नेक्स्ट है आपका कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके सुपर एलिवेशन के तो फर्स्ट बोलता है कि टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज़ या फिर बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं सेकेंड है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील लोड्स क्योंकि आपका कर्व होने के कारण जो आपका लोड का वैल्यू है सुपर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटर रेल में क्या है वेट का वैल्यू बढ़ गया है और इनर रेल में आपका वेट का जो वैल्यू है वो कम है तो इस इम्बैलेंस को आप बैलेंस करने के लिए क्या करते हो आप एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्मूथ ट्रैक इम्प्रूविंग पैसेंजर कम्फर्ट आप यदि एक सूटेबल एलिवेशन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा कर्व पे डी होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे जिसके कारण आपका जो ट्रेन है वो आपका स्मूथली ट्रैक पे रन करेगा एज़ वेल एज़ आपके पैसेंजर को भी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट है आपका टू रिड्यूज़ वियर एंड टीयर ऑफ द रेल्स एंड रोलिंग स्टॉक ये बोलता है कि जो आपका यहाँ पे आपने ट्रैक का फॉर्मेशन किया है कर्व पे तो क्योंकि आपका स्मूथली आपका ट्रेन इस कर्व पोशन से बाहर निकल जा रहा है तो यहाँ पे क्या है वियर एंड टीयर कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई जर्क नहीं लग रहा है कोई भी लोड सडन लोड नहीं लग रहा है जिसके कारण ट्रेन जो है स्मूथली रन कर रहा है तो ये बोलता है ना तो वियर एंड टीयर व्हील्स पे होंगे आपके और ना ही आपके इस रेल पे होंगे तो आपने क्या किया सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके वियर एंड टीयर होने से प्रिवेंट कर दिया नेक्स्ट है आपका क्या इक्विलिब्रियम कैंट आपका जो कैंट है वो दो प्रकार का होता है फर्स्ट होता है आपका क्या इक्विलिब्रियम कैंट तो इक्विलिब्रियम क्रैंट सॉरी कैंट क्या होता है ये हम अभी डिस्कस uh, करेंगे आपका एक और चीज़ जो आपका सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है या जो रिलेशन ऑप्टेंड होता है सुपर एलिवेशन का और आपका रेडियस ऑफ कर्व और स्पीड ऑफ ट्रेन के बीच में तो वो रिलेशन होता है आपका क्या ई इज़ इक्वल्स टू जी वी स्क्वायर अपॉन वन पॉइंट टू सेवन आर यहाँ पर आप ध्यान देना ये मैंने टाइपिंग किया है तो ये टू बॉटम पर आ गया है ये आपका वी का पावर पर रहेगा टू फॉर्मूला होगा ई इज़ इक्वल्स टू जी वी स्क्वायर अपॉन वन पॉइंट टू सेवन आर वेयर ई इज इक्वल्स टू सुपर एलिवेशन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जी आपका कांस्टेंट है और v है आपका क्या वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रेन है तो ये हो आपका सुपर एलिवेशन एज वेल एज़ आपका वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन जो हम सुपर एलिवेशन में यूज़ करते हैं अब हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कैंट क्या होता है इक्विलिब्रियम कैंट का मतलब ये होता है इस डेफिनेशन जो यहाँ पैराग्राफ लिखा है उसमें ये लिखा है कि भाई मेरे को जितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड था उतना सुपर एलिवेशन मैंने प्रोवाइड किया मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने फुलफ़िल किया अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे टेन रुपीज़ चाहिए और मुझे मेरे पेरेंट्स ने टेन रुपीज़ दे दिया तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हो गया तो आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कैंट में कि रिक्वायर्ड कैंट इज़ इक्वल्स टू प्रोवाइडेड कैंट जितना रिक्वायर्ड था कैंट या बोल सकते हो सुपर एलिवेशन उतना सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड किया तो इसको आप क्या कहोगे इक्विलिब्रियम कैंट या बोल सकते हो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या इक्विलिब्रियम कैंट ये जो कंडीशन है ये क्या करता है दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग सेम लोड इन बोथ द व्हील्स आपका जो व्हील्स पे है दोनों व्हील्स पे आपका क्या है सेम लोड को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है और आपके पैसेंजर हैं उनको भी आप क्या है लीन जैसे आप सडनली ब्रेक लगता है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं या फिर कर्व आएगा तो हम एक एंगल पे ऐसे टिल्ट होते हैं तो ये लीन होने से भी आपका क्या करता है प्रिवेंट करता है क्योंकि आपके जो एक्सेल रहते हैं व्हील के जो एक्सल रहते वहां पे क्या रहते हैं आपके स्प्रिंग्स लगे होते हैं तो ये जो स्प्रिंग्स हैं अगर सेम वेट से आपके जो स्प्रिंग हैं दोनों तरफ इक्वली कंप्रेस होंगे तो आपका जो लीन होने का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा लेकिन अगर अनइवन लोड रहेगा तो एक स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस होगा और दूसरा स्प्रिंग जो है कम कंप्रेस होगा जिसके कारण क्या होता है लीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अगर आपने एक कैंट प्रोवाइड किया है तो आपका क्या है आपके पैसेंजर को आप कंफर्टेबली क्या कर सकते हो राइड करवाओगे uh, आपका जो इक्विलिब्रियम कैंट होता है वो हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ट्रेन के एवरेज स्पीड के बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम कैंट को प्रोवाइड करते हैं ये इसका एक रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कैंट का ये होता है आपका एवरेज स्पीड एवरेज हाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम कैंट को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एन वन एन टू एन थ्री क्या होता है आपका नंबर ऑफ ट्रेन्स होता है और वी वन वी टू वी थ्री आपका क्या होता है स्पीड ऑफ ट्रेनस इन किलोमीटर पर आवर होता है तो इस फार्मूला का या बोल सकते हो इस रिलेशन के बेसिस पे जो एवरेज स्पीड हमको ऑप्टेन होता है उस एवरेज स्पीड के बेसिस पे आप क्या करते हो एकब्रियम कैंट को डिज़ाइन करते हो ये जो डायग्राम है वो आपका एक्ब्रियम कैंट का यहाँ पे एक्सप्लेन किया है या तो आप एग्जाम में ये डायग्राम को बना सकते हैं इसके अलावा एक और डायग्राम है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम कैंट क्या होता है आप यहाँ पे देखना ये जो पार्ट है ये आपका क्या है व्हील है ये फर्स्ट व्हील है ये आपका इनर व्हील है ये आपका आउटर व्हील है और ये जो है दोनों को कनेक्ट किया है वो क्या है आपका एक्सेल है अब आप देखना इस तरफ ये स्प्रिंग लगा है और इस तरफ ये स्प्रिंग लगा हुआ है दोनों व्हील के पास अलग अलग स्प्रिंग्स लगे होते हैं अब क्या होता है जब कर्व पोर्शन पे क्या होगा आपका जो ट्रेन है ये आप देखना कि ये जो है ये ओरिजिनल ग्रेडियंट है और ये जो ग्रेडियंट है ये आपका धीरे से ऐसे करके क्या हो रहा है राइज़ हो रहा है मतलब यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक ऐसे करके राइज हुआ है कुछ एंगल से तो ये अगर ये आपका रेफरेंस ग्रेडियंट रहता है इसके बेसिस पे आपने क्या किया कुछ एंगल पे राइज़ किया तो ये जो राइज हो रहा है इसी को आप क्या कहते हो सुपर एलिवेशन कहते हो अब इसमें क्या होता है जब आपका ट्रेन मैंने आपको बताया कि जैसे ही कर्व पे आता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अवे फ्रॉम सेंटर तो ये आपको एरो दिख रहा होगा कि ये अवे फ्रॉम सेंटर आपका क्या लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पर जो वेट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और यहाँ पर जो वेट है वो इसके कंपेरिजन में आउटर के कम्पेरिजन में इनर में कम रहता है तो ये बोलता है कि ये जो वेट यहाँ पे है और यहाँ पे जो वेट आपका लग रहा है ये जो वेट है वो आपका क्या रहता है दो इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं ये सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो वेट है वो दोनों में बैलेंस हो जाए तो ये इसका जो ये जो पोशन है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स और आपका यहाँ पे आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रॉम इन साइड ऑफ द रेल तो यहाँ पे इसको क्या किया है आपको इक्िब्रियम कैंट को एक्सप्लेन किया या बोल सकते हो सुपर एलिवेशन को अब मान के चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्या कैंट डेफिशियसी कैंट डेफिशियंसी का मतलब ये होता है या इसी को आप क्या बोलते हो नेगेटिव सुपर एलिवेशन इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे सी डी से सी कैपिटल डी स्मॉल तो ये होता है हमारा क्या कैंट डेफिशिएंसी या इसी को आप क्या कहोगे नेगेटिव सुपर एलिवेशन ये बोलता है कि आ, जो हमने इक्विलिब्रियम कैंट प्रोवाइड किया था वो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ़ एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट ट्रेन डिफरेंट स्पीड के जो ट्रेन थे उनमें से हमने एक एवरेज वैल्यू ऑप्टेंड किया और उस बेसिस पे हमने हमारा इक्विलिब्रियम जो कैंट था उसको डिज़ाइन किया लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैंट की रिक्वायरमेंट है वो हम उतना ना प्रोवाइड करके जब हम कम कैंट प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कैंट डेफिशिएंसी कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दस रुपये चाहिए लेकिन मुझे केवल आठ रुपये ही मिल रहे हैं दो रुपये का क्या हो रहा है डेफिशिएंसी हो रहा है कमी पड़ रही है तो इसी ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन हो गया या आप बोल सकते हो जितना सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड था उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उतना सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो उसे आप क्या कहोगे नेगेटिव सुपर एलिवेशन या फिर कैंट डेफिशिएंसी जो आपका हायर कैंट डेफिशिएंसी होने के कारण या बोल सकते हो जो रिक्वायरमेंट था और जो हमने दिया है एलिवेशन उसमें यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो क्या होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है कर्व पे वो क्या हो जाता है अनबैलेंस हो जाता है और ये जो फोर्स अनबैलेंस हो रहा है तो क्या होगा वेट के भी वैल्यू में आपका इम्बैलेंस होगा जिसके कारण आपका डिसकम्फर्ट क्रिएट हो जाता है पैसेंजर्स को तो ये बोला जाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आईआरसी ने जो रिकमेंड किया है तो ये होता है ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर मीटर गेज के लिए होता है आपका 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए होता है 3.8 सेंटीमीटर तो ये जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू है ये हमको प्रोवाइड करना होता है तो ये जो होता है आपका क्या होता है कैंट डेफिशिएंसी तो एक बार आप डायग्राम ये इक्विलिब्रियम के लिए बना सकते हो सेकेंड में आप ये बोल सकते हो जब ये जो सुपर एलिवेशन था जितना रिक्वायर्ड था उतना आपने नहीं बनाया तो क्या हुआ अन ईवेन वेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनर एंड आउटर रेल में तो उसको आप क्या कहोगे नेगेटिव सुपर एलिवेशन तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर होगा थैंक यू